मॉर्निंग की टॉप खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रानी राजश्री। कोरोना हुआ बेकाबू, लोगों में बना डर का माहौल। कोरोना वायरस के देश में अब तक 1.28 करोड़ से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं 8.87 लाख से ज़्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। बढ़ते कोरोना और पाबंदियों पर राकेश टिकैत बोले कि पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, आंदोलन नहीं होगा खत्म। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैकड़ों की संख्या में किसानों पर भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। लेकिन किसान इस आंदोलन को न खत्म करने की बात दोहरा रहे हैं। बीते कुछ समय में कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। देश में पहली बार अब एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध में किसान ऐसे खतरा होने के बावजूद हटने का विचार नहीं। पुलिस वालों ने मोड़ लिया मुंह, दुकानों में सामान की जगह लड़के लड़कियां। भिंड में पुलिस ने शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की है। शटर के अंदर कई लड़के और लड़की आपत्तिजनक हालात में मिले। पुलिस को देख कई लोग भाग गए हैं। वहीं पुलिस 3 लड़के और 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। बिल्डिंग के मालिक ने पुलिस के साथ छापेमारी के दौरान बदसलूकी की है। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है। NCR आना जाना है तो दिल्ली के साथ साथ इन शहरों का भी कर्फ्यू पास बनवा लें। बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू में नियम गुरुवार रात से शुरू होकर 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। घरों से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, वरना ₹500 का जुर्माना लगेगा। जाना है तो दिल्ली के साथ साथ इन शहरों का भी कर्फ्यू पास बनवा लें। बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के नियम गुरुवार रात से शुरू होकर 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। घरों से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, वरना ₹500 का जुर्माना लगेगा। देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। NCR का अलग से पास बनवा लें दिल्ली वाले। जाना है तो दिल्ली के साथ साथ इन शहरों का भी कर्फ्यू पास बनवा लें। बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के नियम गुरुवार रात से शुरू होकर 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। घरों से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, वरना ₹500 का जुर्माना लगेगा। देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। NCR का अलग से पास बनवा लें दिल्ली वाले। कोरोना के खिलाफ जंग, भारत के पास सिर्फ 5 दिनों के लिए वैक्सीन स्टॉक में। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले डेटा की तुलना में यह बात सामने आई है कि देश में जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है उसके मुताबिक सिर्फ 5 दिनों के लिए वैक्सीन बची है। एक और हफ्ते के अतिरिक्त सप्लाई के लिए वैक्सीन पाइपलाइन में है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कुछ राज्यों में तो 2 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए जवान ने सुनाई आप बीती, मुठभेड़ के बाद हो गए थे बेहोश। नक्सलियों के चंगुल से सुरक्षित लौटे कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास ने अपनी बात बताई। गुरुवार शाम नक्सलियों द्वारा रिहा किए जाने के बाद CRPF कैंप लाए गए राकेश्वर स्वस्थ हैं और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। कैंप में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कमांडो ने बताया कि नक्सलियों ने उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा गया था। मुस्लिम शख्स के साथ फोटो वायरल होने पर ओवैसी का PM पर तंज कसा गया। कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि वह व्यक्ति कौन है। अब इसे लेकर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। ओवैसी ने मुस्लिम व्यक्ति के पीएम मोदी के कान में कुछ कहने को लेकर तंज कसते हुए वीडियो ट्वीट किया। पश्चिम बंगाल में TMC को लेकर कांग्रेस के बदले तेवर किस बात की ओर कर रहे इशारा? वेस्ट बंगाल में भले ही चुनाव का असली मुकाबला TMC व BJP के बीच हो, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट घटक वाला संयुक्त मोर्चा तीसरे धड़ के रूप में कई जगह उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वहां जिस तरह के चुनाव में BJP ने अपनी आक्रामक रणनीति अपनाई है, उसके मद्देनजर कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी सक्रियता BJP को फायदा पहुंचा सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने वहां अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदल दिया है। रेगुलर वैकेंसी की भर्ती के बाद ही एडहॉक बेसिस पर जजों की भर्ती हो सकती है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि हाई कोर्ट में एडहॉक बेसिस पर एडिशनल जजों की नियुक्ति तभी हो सकती है जब उससे पहले रेगुलर जजों की वैकेंसी भर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के केसों की पेंडेंसी के निपटान के लिए एडहॉक बेसिस पर एडिशनल जजों की नियुक्ति के बारे में केंद्र सरकार से राय मांगी थी। नेपाल के पीएम ओली ने अपने ही 4 मंत्रियों की संसद सदस्यता छीनी। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों से बृहस्पतिवार को संसद की सदस्यता छीन ली गई और संसद की सदस्यता गंवाने वाले मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की CPN माओइस्ट सेंटर पार्टी के सदस्य हैं। ऊर्जा मंत्री तो बहादुर राय मांझी, उद्योग मंत्री लेखराज भट्टा, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह और श्रम मंत्री गौरी शंकर चौधरी से उनकी पार्टी का सुझाव मिलने पर संसद की सदस्यता छीन ली गई। हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को निर्धारित प्रक्रिया के बिना म्यांमार प्रत्यार्पित नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को अधिकारियों द्वारा इस तरह के निर्वासन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर म्यांमार प्रत्यार्पित नहीं किया जाएगा। यूपी में कोरोना ने बनाया रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में सामने आए 9000 के करीब केस। उत्तर प्रदेश में रोजाना बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन एक बड़ा रूप ले रहे हैं। संक्रमितों की तेजी से बढ़ रही संख्या ने प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। गुरुवार को जारी हुए संक्रमितों के आंकड़ों में उठते प्रदेश से लेकर राजधानी लखनऊ के संक्रमित मरीजों के साथ मरने वालों के आंकड़ों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। यूपी में 8000 से ज्यादा तो लखनऊ में 2000 के पार हुआ आंकड़ा। पर अब बातचीत से भाग रहा है चीन। लद्दाख में जारी तनाव को लेकर भारत के साथ 11 दौरे की सैन्य वार्ता को लेकर चीन ने अभी तक कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों की बैठक शुक्रवार को हो सकती है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 की यथास्थिति की बहाली के लिए भारत के प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच अगली बैठकों में चर्चा हो सकती है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई समय नहीं बताया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के साथ, और जुड़ने के लिए संपर्क करें दिए गए नंबरों पर।